नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से टारगेट विद बलराम स्वामी पर स्वागत। गुड मॉर्निंग आप सभी प्रिय मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और जो नए अभ्यर्थी हैं वो सब्सक्राइब किया करो ताकि आपके पास जल्द से नोटिफिकेशन पहुँचे और वीडियो जैसे ही अपलोड होगी, जैसे ही हम लाइव आएंगे, आपके पास पहले पहुँचेगी। दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास में भाग नंबर 10 को पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले प्लेलिस्ट के अंदर आपके पास भाग नंबर 9 तक है। कौन सा है दोस्तों? आज पार्ट नंबर 2, 10 और कौन सा है दोस्तों? मेवाड़ इतिहास। प्ले स्टोर में जाओगे तो आपको सारा कुछ मिलेगा दोस्तों, 9 वीडियो मिलेंगे और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा वीडियो मिलेगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों के बारे में हमने कवर किया था कि किस स्थान का पौराणिक नाम क्या था और उसका नवीन नाम क्या है। आ जाओ दोस्तों, यहाँ पर हमने कंप्लीट किया था किसको? बहुत बड़े हमारे महाराणा को, महाराणा कुंभा, जिन्हें स्थापत्य कला और बहुत सारी चित्र शैलियों के भी आविष्कार हुए थे इनके काल में, और बहुत सारे शिल्पियों को शरण दी थी जिनमें गुजरात के जैन जो थे वो बहुत ज़्यादा थे इनकी शरण में। आज हम पढ़ेंगे इनके पुत्र की, और इनका पुत्र एक तो था कौन सा दोस्तों? उदा, और एक इनका बेटा कौन था दोस्तों? रायमल। थोड़ा सा ध्यान से देखना दो, पहले उदा शासक बन जाता है और बाद में रायमल शासक बन जाता है। उदा का शासनकाल यदि हम देखें तो हमें पता है 1468 में उदा ने क्या की थी, अपने पिता की हत्या की थी। पहला सिसोदा राजकुमार था जिसने अपने पिता की हत्यारा, मतलब पितृहंता बना था ये। और यहाँ से लेकर ये है 1473 तक दोस्तों, कहाँ तक है? 1473, और ये 1473 से तीन तीरी कितने हो गए दोस्तों? कितने हो गए तीन तीरी? 9 हो गए, 1509 तक ये शासनकाल इसका है, रायमल का। और ये उदय सिसोदिया और ये रायमल सिसोदिया। अब आ जाओ आप सारे, हाँ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम एक बेसिक ढंग से और बेसिक नॉलेज से इसको क्लियर करेंगे ताकि परीक्षा के अंदर हर प्रश्न को हम अटेंड कर पाएंगे। यहाँ से आपके प्रश्न एक भी दोस्तों बाहर जाने वाले है नहीं किसी भी कंपटीशन के अंदर, ऐसा हमारा वादा है। और इस वादे के साथ आप प्रत्येक लेक्चर को अंत तक देखा करो। उदा क्या करता है कि यहाँ पर 68 में मेवाड़ का क्या बन जाता है? शासक। और जब मेवाड़ का शासक उदा बना तो उस समय क्या हुआ दोस्तों? उस समय ये हुआ, देखो ये मैं एक दक्षिण भारत का एक छोटा सा मानचित्र बना रहा हूँ जितना मेरे को प्रयोग में लेना है दोस्तों। यहाँ पर पड़ता है इड्र। कौन सा दोस्तों? इड्र। यहाँ पड़ता है इड्र, और इड्र में था ससुराल। किसका ससुराल था दोस्तों? देखिए यहाँ पर ससुराल था किसका? रायमल का। तो रायमल को पता चला कि राजगद्दी पर कौन बैठ गया? उदा सिसोदिया। तो उस समय रायमल कहाँ था दोस्तों? अपने ससुराल इड्र में था। अब ये सास राजगद्दी पर बैठा, लेकिन जब पता चला रायमल सिसोदिया को इस बात का कि मेरे जो भाई है उसका नाम उदा है और वो राजगद्दी पर बैठा हुआ है, लेकिन मेवाड़ के लोग उसके विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि उदा जैसे शासक ने अपने पिता कुंभा जैसे शासक को मार दिया था। इसलिए अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि रायमल इड्र से चलता है मेवाड़ की ओर, और जब मेवाड़ में प्रवेश किया तो यह सबसे पहले प्रवेश किया दोस्तों कहां पर? जावर के अंदर। इस बात का ध्यान रखना, और जावर में एक पड़ती है दाडिमपुर की पहाड़ियां। कौन सी दोस्तों? दाडिमपुर की पहाड़ियां। और इस पहाड़ियों में क्या करता है कि दाडिमपुर की इस पहाड़ियों के अंदर उनके साथियों को घेर लिया जाता है। किसकी? उदा के साथियों को। और उदा को घेर लिया था किसने? रायमल ने। और रायमल ने क्या किया था? उदय सिंह को हरा दिया था। इसलिए उदय सिंह सीधा इस पहाड़ियों से
जावर विजय जिसको कहते हैं रायमल की, इस जावर से सीधा कहाँ चला गया दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग में चला गया। ये रहा कुंभलगढ़ में चला गया, कौन चला गया कुंभलगढ़ में, उदा सिसोदिया। लो जी उदा कहाँ चला गया, उदा सिसोदिया चला गया कहाँ पर दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसीलिए ये कुंभलगढ़ दुर्ग जो था ये मेवाड़ी राणों का क्या हो गया, ये मेवाड़ी शासकों का क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया शरण स्थली। हमने पढ़ा था कि मरण स्थली, जन्मदाता, तारणदाता, मारणदाता और शरणदाता कुंभलगढ़ दुर्ग था, इस बात को हमने पढ़ा। लेकिन आपके पास में प्रश्न आ जाए कि शिवाणा दुर्ग, आज ये शिवाणा दुर्ग कहाँ पड़ता है दोस्तों, आज पड़ता है बाड़मेर के अंदर, प्राचीन में ये जालौर रियासत में था, ये है राठौड़ों की शरण स्थली। इस बात को ध्यान देना, किसकी दोस्तों, राठौड़ों की शरण स्थली, जो मारवाड़ के राठौड़ थे उनकी शरण स्थली कौन सा बना, शिवाणा बना। तो मेवाड़ के सिसोदियों की शरण स्थली कौन सा बना दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग बना। अब के हो देखो रायमल अठू चालियो अपने सास रहूं चालते ही जावर आयो, जावर में इंग दाढ़ी देखी, दाढ़ी दाढ़ीमपुर का युद्ध, और दाढ़ी देखते उदाव के साथियों पर अटैक किया और उदा सीधा भाग गया किसके पास, कुंभलगढ़ के पास। क्यों अठपाचो क्यों आयो, पिता की समाधि पर नमस्कार भरने आया था क्या, लेकिन ठीक है अटा गयो। यहाँ फिर अटैक कर दिया किसने, रायमल ने, तब सीधा यहाँ से चला गया, यहाँ आ गया। देखो कितना लंबा सफर किया होगा इस उदा ने, सोचो आप, यहाँ से वापस यहाँ आ गया। देखो ये आ रहा है, कौन आ रहा है दोस्तों, इधर से जा रहा है, ये जा रहा है उदा, उदा गया मांडू चला गया। देखो कहाँ चला गया दोस्तों, मांडू चला गया मालवा के अंदर, अब मांडू रह रहा है कौन, उदा। उस समय यहाँ पर कौन था दोस्तों, जल्दी से बताना, यहाँ पर सुल्तान ग्यासुद्दीन था, कौन था दोस्तों, सुल्तान ग्यासुद्दीन था। अब ग्यासुद्दीन करी जावेगा और किन जावेगा, देखो ग्यासुद्दीन के पास उदा, अब यहाँ आ गया उदा। एक बात बताऊँ थाने, उदा अठे वो साफ क्रोइन, उदा अठे पहुँचो साफ क्रोइन, अभी फिलहाल उदा कटे ग्यासुद्दीन कने। अब ग्यासुद्दीन से विश्वास बंधाने के लिए, क्या बंधाने के लिए दोस्तों, विश्वास बंधाने के लिए उदा एक यत्न करता है। देखो क्या यत्न करता है, कि उदा कन ही पुत्री और ग्यासुद्दीन कन हा पुत्र, दोनों के करवा दिया विवाह, करवा दिया विवाह, किस लिए करवाया, ताकि जब भी मैं ग्यासुद्दीन को बुलाऊं तो ग्यासुद्दीन दौड़ा दौड़ा आए मेरी सहायता के लिए, ऐसा सोचा उदय सिंह ने, और मैं वापस जाके रायमल को पराजित करके और राजगद्दी पर बैठ जाऊं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि यहाँ पर घूम रहा था बेचारा, यहाँ पर मांडू में घूम रहा था, और उस समय क्या हुई कि लाल पीली बिजली जो थी वो बिजली आसमान से ऐसे गिरती है और सीधी किस पर गिर जाती है दोस्तों, उदा पर, और उदा को पूरा लाल कर देती है। कब की बात है, 1473 की बात है, 1473 में क्या हो जाती है, उदा की मृत्यु हो जाती है। याद रखना किससे हुई थी, बिजली गिरने से हुई थी। ऐसे पितरहंता शासकों की मृत्यु दोस्तों ऐसी ही होती है। बिजली की बात करें तो आप यूँ पहली पढ़ी कि बिजली गिरी थी विजय स्तंभ पर, गिरी थी, तब स्वरूप सिंह ने क्या किया था, विजय स्तंभ का पुनः निर्माण भी करवाया था। तो यहाँ तक किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ले लिया होगा। तो अब शासक कौन आ गया 73 से लेकर 1509 तक, तो ये आ गया दोस्तों कौन, रायमल। और रायमल कौन है दोस्तों, ये है रायमल सिसोदिया। यहां तक हमने उदा को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रायमल सिसोदिया को। तो रायमल सिसोदिया को हम पढ़ते हैं, कहां से पढ़ते हैं, इस बात को ध्यान देना, थोड़ा सा जान करते हैं रायमल सिसोदिया का परिवार क्या था, इस बात पर जाना आप। पहली बात तो ये मारवाड़ का दामाद था, था या नहीं था, जल्दी से कमेंट करके बताओ, मारवाड़ का जवाई था या नहीं था कौन। मंडोर में हमने पढ़ा था कि रावण हमारा जवाई था राजस्थान का, हाँ जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, यदि इंटरेस्ट आ रहा है आपको क्लास के अंदर, तो
ऐसे ही चलेगी क्लासें, लगातार चलेगी, कभी भी कोई मिस टाइम नहीं होगा। ठीक दोस्तों, तो इसका परिवार देखने से पहले रायमल कांका था, मारवाड़ का ज्वाई था। एक बात याद रखो, जोधा की वो पुत्री कौन सी थी, जोधा की पुत्री, जोधा की पुत्री थी, किसकी पुत्री थी, राव जोधा की, उसका नाम क्या था दोस्तों, जल्दी बताओ, श्रृंगार दे, श्रृंगार दे। अब श्रृंगार दे की शादी हुई थी किसके साथ, रायमल के साथ। आपको पता है कब हुई थी, आवल बाउल की संधि में, कौन सी, आवल व बावल की संधि में हुई थी। श्रृंगार दे की शादी हुई थी किसके साथ, रायमल के साथ। रायमल किसका बेटा, कुंभा का। हाँ, तो अब इसका परिवार जान लेते, इसके परिवार में कौन थी, इसकी पत्नियां, बहुत अच्छी रानियां लिख दूं मैं, लो रानी कितनी होनी चाहिए, रानी एक ही होनी चाहिए, रानी एक ही होनी चाहिए, आ रही एक, लेकिन पहली आड़ा इंगलारे को और लगाता, 11 रानियां ही इंगी किंगी, रायमल की 11 रानियां ही। देखो अब इसके पुत्रों की बात करते हैं, तो आज जो पुत्र कहते हैं ना, ये बेटे किसके हैं, ये बेटे तेरे हैं, ये बेटे तेरे हैं, तेरे बेटे थे इसके। अब बेटियां की बात आज, ये लो जी पुत्री लिख दियो मैं, पुत्री, तो पुत्री कहते हैं ना, पुत्री दो और पुत्र लो, तो पुत्री कितनी थी, दो। लो दोस्तों, ये इसका एक परिवार था, ठीक है, लेकिन ये तो इसका परिवार था। इसके दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, उसकी बात करते हैं। इतना बड़ा परिवार था लेकिन इसको अगम पिछम का पता नहीं था, अगम और पिछम का पता नहीं था। अगम समझते हो, कहते ना तेरे को अगम का पता नहीं है, आगे की बातों का तेरे को पता नहीं है। अगम से अर्जुन था, लो जी अर्जुन, गय से गोपाल भट्ट था, गोपाल भट्ट, इनको जरूरी दोस्तों याद रखना पड़ेगा आपको। मैं पर महेश था, कौन था, महेश था। ए दोनों कुणा गुरु जी, ए हा विद्वान इंगा, कुणा दोस्तों, ए दोनी तो विद्वान हा, तो ओ कुण हो, ओ हो इंगो शिल्पी, ध्यान रख क्या आ बात, ओ कुण हो इंगो शिल्पी हो। गुरुजी रायमल ने शिल्पी की जरूरत कट पड़ी, क्योंकि रायमल बहुत बीमार रहता था, इसके शरीर में दर्द रहता था, रायमल के शरीर में दर्द रहा करता था। ये खुद युलिष्ठ, खुद बलिष्ठ नहीं था, लेकिन इसके पुत्र बहुत बलिष्ठ थे, बहुत बड़े पुत्र बहुत बलिष्ठ थे इसके, देखना कौन कौन से थे। खुद बलिष्ठ नहीं था, इसने राज्य को छूण बना लिया, ना कुछ खोया ना कुछ पाया। देखो भाई ने पिता को मारा है, लेकिन अपने कुछ नहीं करेंगे, रायमल ने कुछ नहीं किया, न तो कुछ खोया न कुछ पाया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तीन तालाब जरूर बनवाए थे, जिसमें राम शंकर, राम शंकर और समिया जैसे तालाब बनवाए थे। कहां पर, ये तीन तालाब बनवाए थे, कहां पर दोस्तों, मेवाड़ के अंदर। और तीन तालाब बनवाने से यहां पर क्या हुआ था, मेवाड़ में कृषि को बढ़ावा दिया था। देखो दोस्तों, कृषि को, खेती को बढ़ावा देने वाला शासक कौन था, रायमल, केकरियो, राम शंकर और समिया तालाब बनवा दिया, कि राम शंकर समा करो, राम शंकर समा करो, समिया तालाब। इधर अगम का पता नहीं था, अर्जुन शिल्पी है, गोपाल है और महेश है, ये क्या इनके विद्वान है, कुछ नहीं दोस्तों, एक रानी एक और लगा दो तो पहली आड़ 11 हो, कृति पुत्र तेरा है, सारा पुत्र तेरा है, पुत्रियां दो पुत्र लो। और इधर मारवाड़ का ये ज्वाई था दोस्तों, क्योंकि राव जोधा और कुंभा के बीच में आवल बावल की संधि हुई थी 1453 के अंदर, और उस संधि के अंदर श्रृंगार दे जो थी वो कुंभा की बेटी थी, कुंभा की बेटी नहीं थी, जोधा की बेटी थी, और कुंभा को दी गई थी, कुंभा के साथ उसकी शादी कर दी गई थी। तो अब देखो क्या हुआ, अब ये जो थी ना, ये श्रृंगार दे, इसकी बात कर लिया थोड़ी सी, आ लो जी श्रृंगार दे, इनके करियो अठे चित्तौड़ में एक काम करियो, एक बावड़ी बनवाई थी, उस बावड़ी का नाम क्या था, घोसुंडी बावड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, घोसुंडी बावड़ी। और घोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, श्रृंगार दे ने करवाया था। श्रृंगार दे ने कौन सी बावड़ी,
तो श्रृंगार देने घोसुंडी बावड़ी बनवाई थी। थोड़ा सा इधर आ जाओ, कहाँ पड़ती है गुरुजी? ये है चित्तौड़ में दोस्तों, घोसुंडी बावड़ी आज भी कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर है ये रही। अब थोड़ा सा इधर आ जाओ, यदि आपको दिखाई दे रहा है तो इधर आ जाओ। थोड़ा सा मैं एक ही बात लिखूंगा कि एक आता है घोसुंडी शिलालेख। कौन सा दोस्तों? घोसुंडी आता है शिलालेख। और यदि हम घोसुंडी शिलालेख की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये दूसरी शताब्दी का है। देखो शिलालेख तो सी कैसे बनाओगे? दुए वाला सी। तो दूसरी शताब्दी दोस्तों, ये रोजी ये दूसरी शताब्दी का है। ये पहला शिलालेख है जिसमें वैष्णव धर्म की बातें मिलती है, वैष्णव धर्म का उल्लेख मिलता है। ऐसी पहली शिलालेख कौन सा है? घोसुंडी शिलालेख। और उसमें वैष्णव धर्म का पहला क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। ये था रायमल, और रायमल का शासनकाल कब से कब तक है? बीमार आदमी था और बीमारी के कारण ही इसकी मृत्यु हुई थी। इसके पिता भी एक बीमारी से मारे गए थे। उस बीमारी का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, जल्दी कमेंट दिए कि इसके पिता रायमल के पिता किस बीमारी से मृत्यु हुई थी। बीमारियों को नहीं हुई या मृत्यु करी उदा, लेकिन उस समय कौन सी बीमारी थी? जल्दी कमेंट करके देना, इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। ले लिया होगा दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट कि ये था दोस्तों रायमल। यदि रायमल से प्रश्न पड़े तो विद्वान और बावड़ी किसने बनवाई और शिल्पी कौन थे इसके, यहाँ से प्रश्न पढ़ने वाले हैं दोस्तों। कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में वंचित नहीं रह सकता। बस टारगेट विद बलराम स्वामी को आप फॉलो करो दोस्तों, खूब पढ़ा करो दोस्तों, क्योंकि जब परीक्षा नज़दीक होगी तो उस समय आत्मा के अंदर कुछ मनोबल नहीं गिरे कि हमने कम पढ़ा था, और आत्मा बोलेगी पेपर देने मत जा, क्यों जा रही है, फेल हो जाएगा ना, पता नहीं तेरे को किस दिन पढ़ा था तू। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जब पेपर देने जाओ तो आत्मा बोले कि 14 घंटे पढ़ा था तू, क्यों नहीं सिलेक्शन होगा, जा तू जा, ऐसे आत्मा बोले, ऐसे ना जा बोले कि ना जा, भीड़ में क्यों जा रहा है। 10 नंबर हमने पढ़ लिया उदा सिसोदिया को, हमने पढ़ लिया रायमल सिसोदिया को, आज हम पढ़ रहे हैं रायमल का अगला शासक। और रायमल की हम बात करें तो इसकी मृत्यु होती है कब दोस्तों? 1509 के अंदर। अब इसके पुत्रों की बात करेंगे, ध्यान रखना एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है? वो कौन सी है कि रायमल की सास आज, रायमल की आज सास या सासू पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर है, इस प्रश्न का जवाब दो मेरे को। ये शानदार और नाजवान ट्रिक है दोस्तों। ऐसी छोटी छोटी ट्रिकें क्या है कि आप दिन में कोई भी काम करो तो उसमें रखा करो, ये व्यवहारिक ट्रिकें हैं। कहते ना तेरी सासू कटहरे, तेरी सासू तेरे को फोन करती है रे, इस प्रकार सासू मारती है क्या, इस प्रकार। तो रायमल की बात करें, आज रायमल की सासू इस पृथ्वी पर है क्या? रायमल की सासू कौन हो सकती है? देखो राव जोधा की पत्नी। आज से देखो क्या है, आज से है देखो दोस्तों आनंदी बाई। और ये आनंदी बाई कौन थी? ये थी इसकी पुत्री। किसकी पुत्री थी दोस्तों? रायमल की पुत्री थी। और इसके पति का नाम क्या था? जयपुर है जगमाल। और जगमाल कौन सा दोस्तों? ये जगमाल है कौन सा? देवड़ा। जगमाल देवड़ा। अब गुरुजी जगमाल देवड़ा कांका शासक था, तो याद रखना सिरोही का था। कांका शासक था जगमाल देवड़ा, सिरोही का शासक था। आनंदी को कुंभा ने, आनंदी को रायमल ने किसके साथ ब्याह दिया? सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा के वहां पर ब्याह दिया। तो ये तो एक परिवार बस गया, लो जी आज तो एक परिवार बस है सासू के हुए। साप पर है जी सारंग देव। कौन सा देव है दोस्तों?
सारंग देव ओ कुण हो ओ हो भाई किंगो भाई रायमल गो। तो रायमल का जितना ही बेटा है बांगो तो चाचो वैगो को नहीं वनी वैगो नहीं हाँ वैगो। एक एक सहू याद रखा के संग्राम और सिंह, कौन सा सिंह है संग्राम सिंह, ये था छोटा ही छोटा बेटा किसका, छोटा बेटा था ये किसका, रायमल का। लो जी किसो बेटो ओ बेटो हो छोटो, लेकिन ये महत्वाकांक्षी था और इसके अलावा ये क्या था, महत्वाकांक्षी और ये साहसी था। दोस्तों सांगा जो था जिसे हमने लिखा संग्राम सिंह छोटा बेटा रायमल का, वो महत्वाकांक्षी और साहसी था, और जो चाचा था उसका नाम क्या था, रायमल का तो भाई और इसका चाचा उसका नाम सारंगदेव था, वो भी चाहता था कि मैं राज अधिकार मिल जाए मेरे को, क्या मिल जाए दोस्तों, राज्य अधिकार मिल जाए ये भी चाहता था। और नीचे वाला ये महत्वाकांक्षी और साहसी है। उसके बाद देखो सुपर क्या है, सुपर एक और बेटा है उसका नाम है सूरजमल, और यदि हम सूरजमल की बात करें तो ये कांठल की खोज में गया था और वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि हमें इम्पोर्टेंट शासक के बारे में पढ़ना है बस। तो परिवार में एक जनो दो जना और तीन जना। उसके बाद पृथ्वी से क्या है दोस्तों, जिसे आप जानते हैं कौन है, पृथ्वीराज दोस्तों, ये कौन सा पृथ्वीराज है, ये सिसोदिया शासक है। इसकी यदि बात करें तो ये युद्ध कला के अंदर क्या था दोस्तों, ये युद्ध कला में निपुण था दोस्तों, इसलिए ये बहुत खतरनाक था। ये बंदा युद्ध कला के अंदर निपुण है, हो सकता है ये बंदा आगे शासक बन सके, लेकिन कुछ किस्मतें ऐसी है कि ना भी बनने दे, वो अभी हमें पता नहीं है। राजू गुरजी के, और राजू है राज सिंह, ए बेटा ही बेटा है किंग रायमल का। रायमल खुद कमजोर था लेकिन बेटे बहुत खतरनाक थे। जयऊ के गुरजी, जयऊ है जयमल। लो जी ओ बाद में यदि आप देखा तो सोलंकियों या चालुक्यों से लड़ता हुआ क्या हो गया था, मारा गया था दोस्तों। कौन, सोलंकियों या चालुक्यों से लड़ता हुआ मारा गया था। देखो जय सो करेगो और वे सो भरेगो, जय से जयमल और सो से सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। और पृथ्वीराज सिसोदिया तो युद्ध कला में निपुण था, और सुक्का, कभी कहते हैं ना कि ये तो सुक्का है, सुक्का अकाल पड़ा है, सूरजमल कांठल की खोज में गया है, सुक्का ये है। और ये जो है ये सबका क्या हो गया, अब चाचा हो गया। चाचा कौन है, सारंगदेव। और छोटा ही छोटा बेटा कौन सा है रायमल का, संग्राम सिंह। बड़ा बेटा कौन है, ज्येष्ठ पुत्र कौन है जो युद्ध कला में निपुण है, क्या नाम है दोस्तों उसका, पृथ्वीराज सिसोदिया है, ये पृथ्वीराज सिसोदिया राजकुमार है। उसके बाद यदि देखें तो सूरजमल है, ये रहा राज सिंह है। राज सिंह सोलंकियों से लड़ता हुआ नहीं मारा जाता, ये मारा जाता है कौन सा, जय सिंह। राज सिंह कौन था, ये अयोग्य शासक था, मतलब रायमल की नज़र में ये एक योग्यवान नहीं था, राजगद्दी पर बैठने को अधिकार इन हो ही को नहीं, जोरा मारी हूँ सोच। तो एक बात बताऊँ था नहीं परिवार में कि ज्येष्ठ बेटा पृथ्वीराज जो था ना, वो रायमल की नज़र में था कि अपने इसको शासक बना सकते हैं, किसको, पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज के बाद में जिसको हकदार होनी वो वही हो जयमल। तो पृथ्वीराज के बाद में यदि कोई चिटली घसतो नहीं तो वो जयमल ही हो। जयमल के बाद में वो राज सिंह हो, लेकिन वो अयोग्य शासक हो, योग्यवान को नहीं, और रायमल की नज़र में। इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, ले लिया होगा तो। हाँ रायमल एक बलिष्ठ नहीं था, लेकिन इसके बेटे बहुत बलिष्ठ थे। देखो कितने खतरनाक खतरनाक बेटे बताए मैंने, देखो आपको हैं। अब एक बात करा आप पृथ्वीराज की भी, पहले आप बात कर लिया, एक तो कौन है अब गद्दी पर बैठने के लायक है, पृथ्वीराज है, है कौन ही दोस्तों। यूं बाद में यदि गद्दी मिल जाए तो किन मिलनी चाहिए,
आ मिलनी चाहिए, जयमल ने मिलनी चाहिए, कौन मिलनी चाहिए। बी हूँ बाद में राजू की है, राज सिंह जी, एक राज सिंह और आवे को, लेकिन वो तो शासक की कौन रही हो बेचारो। बी हूँ बाद में आप देखा कौन है, संग्राम सिंह देखियो आप। ई अलावा एक और है, कौन है वो, है सारंग देव। ओ सारंग देव गुरु जी, ओ है इंगो चाचा, ओ सारंग है चाचा। तो पृथ्वीराज है, जयमल है, राज सिंह है और संग्राम सिंह है। अब पृथ्वीराज ज्येष्ठ था, बड़ा था, लेकिन पृथ्वीराज के दिमाग में ये थी कि मेरा बाप रायमल है, ठीक है, और इसके पास में 11 रानियां हैं। कितनी रानियां हैं दोस्तों, 11 रानियां हैं। यदि मेरे पिता का किसी दूसरी रानी पर प्रेम ज़्यादा आ गया ना, प्यार ज़्यादा आ गया, तो वो दूसरी रानी के बेटे को कहीं शासक ना बना दे, इस बात में कन्फ्यूज रहता था हरदम कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया। लेकिन ये पृथ्वीराज सिसोदिया इतना महान और इतना बलिष्ठ था दोस्तों कि इसे युद्ध कला में इतना निपुण था कि अभी तक तो ये बेटा ही था, शासक बना ही नहीं, तो भी आस पड़ोस के लोग इससे कांपते थे, बोले रायमल तो कुछ नहीं है। लेकिन रायमल का बड़ा बेटा जो है, यदि आगे शासक बन गया ना तो पता नहीं क्या कर देगा। ये गुस्सेला स्वभाव का था, बहुत गुस्सा आता था इसको, और जब मारता था ना दोस्तों, ये बहुत खतरनाक मारता था ये किसी को। अब क्यों इन एक और दे दिया, क्या ये है उड़ना राजकुमार, के संज्ञा दे दिया लोग उड़ना राजकुमार। तो आपने सुना होगा कि मेवाड़ में एक सिसोदिया राजकुमार था जिसे उड़ना राजकुमार कहते थे, यही था वो। अब देखो क्या हुआ, बीहू बाद में रायमल की नज़र में ये तो अयोग्यवान था, तो यो तो बस बी ही पापड़ बेल, तो बाकी इनका कोई चिटली घस्या डाम को नहीं आवा दोस्तों, कदे को नहीं आवा, यहीं बाप के नज़र में गिरा हुआ है तो कहाँ आ जाएगा, चिटली घसने डाम आ जाएगा, कदे ही को नहीं आवा दोस्तों, ठीक है। इनकी नज़र में आ ही कि कठे हो ना हुए कि रायमल आपनों जी को पापा है, वो दूसरी रानी के साथ में प्रेम प्रूम करके किसी दूसरे भाई को ना गद्दी पर ना बिठा दे, इससे पहले पहले कुछ करें, क्योंकि पिताश्री क्या रहते थे, बीमार रहते थे, तो हर एक के मन में यही थे कि आज मरे काल मरे, आज मरे काल मरे, हैं। तो अब क्या हुआ, ये अब क्या करता था, ज्योतिष पर ज़्यादा ध्यान देने लग गया। किस पर दोस्तों, ज्योतिष पर ज़्यादा ध्यान देने लग गया, कौन ज्योतिष पर ज़्यादा ध्यान देने लग गया, कौन दोस्तों, ये पृथ्वीराज ज्योतिष पर ज़्यादा ध्यान देने लग गया। और ज्योतिष पर ध्यान देऊं तो ओके, सूरजमल ने और जयमल ने लेगेर कट्ठे उठ गयो, पृथ्वीराज सिसोदिया उठ गयो भीमल गांव में, मेवाड़ में पड़े भीमल गांव, ई भीमल गांव में उठ गयो, कौन उठ गयो, अठे एक रहती चारण पुजारी, कौन ही दोस्तों, चारण और आ ही पुजारीन, ये चारण पुजारीन कन उठ गया, कौन, एक तो उठ गयो पृथ्वीराज, एक उठ गयो जयमल और एक उठ गयो सूरजमल। बांग दोनांग दाव पासा कि गटे आखा मार लाने उगड़ जे, कौन, जयमल और सूरजमल। लेकिन यहां पर जब ये जाके बैठ गए और यो पृथ्वीराज और यो इन्हें कौन जयमल और यो इन्हें कौन सूरजमल, तीनों बैठे। अचानक क्या हुआ कि सारंगदेव जो था वो आ गया, किसको लेके, सांगा को लेके। कमजोर था सांगा, सांगा बहुत कमजोर था, छोटा तो था ही रायमल का बेटा, लेकिन इसके डर से ये बहुत ही कमजोर हो गया था। डर बहुत बड़ी चीज होती है, डर से वजन हो जाता है, यदि 80 किलो का है ना तो सास के डर डर से भूखा वजन कई बार हो जाता है 12 किलो 13 किलो, ज़्यादा कम हो गया 24-36 किलो मान लो, 80 किलो 36 तो आई सके दोस्तों। तो ये भी सांगो बहुत डरतो ही हूँ पृथ्वीराज सिसोदिया, अट देखियो भीमल गांव में पहुंचा, पहुंचते ही देखियो बाप रे बाप, काके तो काम गड़बड़ करवा दियो, किन्ने ले आयो है पृथ्वीराज के सामने। अब चारण पुजारी ना बरतो बरतारो खायो और परचो दियो, बोलो मेवाड़ के सांगा ही शासक है, ओ सांगे अठों बाजो,
लेकिन बाजन को अंधियो पृथ्वीराज करियो तलवार को वारिंगे और इंगी आंख गिर गई आपड़ी आंख आंख उठाऊं तो ही भाग्यो अठू देखो अठा पहुंच गए बेचारो। आंख उठाई घोड़े पर बैठो कि कटरी बेल्ट करवा लियांगा, कोई बेल्टिंग वालों मिलेगा तो आंख बेल्ट करवा लियांगा और क्या करवाऊंगा। अठे गांव पड़े भी गांव को नाम है सेवंत्री गांव। कौन सो गांव है दोस्तों? ओ सेवंत्री गांव पड़े मेवाड़ में। अठे था राठौड़ बिद्दा। कौन था दोस्तों? राठौड़ बिद्दा था और राठौड़ बिद्दा के पास सांगा अपनी आंख लेके पहुंच गया। राठौड़ बिद्दा ने अफीम का गोला दिया जिससे दर्द कम हुआ और इसे शरण दे दी। लेकिन पीछे पीछे बेरू आ रहा था, उसका नाम था जयमल। जयमल पीछे पीछे आ रहा था, वो सोच रहा था कि सेकंड पर गद्दी मेरी है, सांगे ने मार्स का पृथ्वीराज ने कौन मार्स का। और यहाँ आया और राठौड़ बिद्दा से लड़ता लड़ता जयमल ने किसको मार दिया? राठौड़ बिद्दा को मार दिया। जयमल से लड़ता लड़ता राठौड़ बिद्दा मारा गया और अट्ठू खुद की आंख उठाई और दे पहुंच गयो कटे अजमेर पहुंच गयो। कुण सांगो और बीन टेम अजमेर में कुण हो दोस्तों? बीन टेम हो करमचंद पवार हो दोस्तों। कुण हो? करमचंद पवार हो। बी करमचंद पवार कन पहुंच गयो कुण सांगो देख अट्ठू भाग्यो। बिमल गांव से भागा था अपनी आंख को लेकर, सेवंत्री गांव में शरण मिली लेकिन जयमल ने राठौड़ बिद्दा को मार दिया। यहां से अपनी आंख लेके भागा और अजमेर पहुंच गया करमचंद पवार के पास। करमचंद पवार ने सांगा को दे दी शरण और कहा कि मेरी शरण में तेरे को यदि कोई ले जाएगा ना तो उसकी इतनी हैसियत नहीं है, ये करमचंद पवार की नगरी है। ऐसे ऐसे धमकियां दी भाई। अब सांगा यहां पर आ गया। आ गया दोस्तों, सांगा को शरण मिल गई और आंख तो सांगा की खराब होगी। एक आंख का मालिक हो गया, एक आंख का धनी हो गया। अपने भाई के तलवार के वार से क्या हो गई, इसकी आंख निकल गई थी बेचारी की। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। हाँ ले लिया दोस्तों, लेकिन अभी तक एक भी प्रतिस्पर्धी जो है वो कम नहीं हुआ, मतलब एक भी अभी तक मरा नहीं है। है तो पृथ्वीराज सिसोदिया के सामने सारे बैठे हैं, राजगद्दी पर तो कोई बैठ सकता है। लेकिन ठीक है दोस्तों, आगे आ जाओ। आगे क्या हुआ कि शरण के लिए कहाँ गया हुआ है? कहाँ है जल्दी? अजमेर में है। कौन? करमचंद पवार की शरण में है सांगा। अब देखो क्या हुआ। अब मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा राजस्थान का ये दोस्तों नक्शा देख लेना। यहाँ पर है अजमेर और यहाँ पर बैठा है अभी फिलहाल में कौन दोस्तों? सांगा बैठा है। गुरु जी इनको पहले नाम को नहीं आयो नहीं, संग्राम सिंह के नाम और यो इन पहली सांगो कहता। स्वांग ही था एक तरफ का, क्योंकि वजन बहुत कम था, डर बहुत था इसका पृथ्वीराज। यहाँ पर बाकी सारे बैठे हैं, बाकी सारे कौन? एक तो पृथ्वीराज है, उड़ना राजकुमार सिसोदिया, एक जयमल है, एक सूरजमल है, एक राज सिंह है और एक इन सबका चाचा है दोस्तों। वो चाचो भी लाल पीड़ो हुआ ताकि अपने को भी राज्य अधिकार मिल जाए। क्या नाम है? सारंग देव। अब देखो एक बार क्या हुआ कि पृथ्वीराज का सारंगदेव के बीच में मनमुटाव हो गया। पृथ्वीराज और सारंगदेव के बीच में मनमुटाव हो गया और इस मनमुटाव के कारण क्या हुआ, पृथ्वीराज ने सारंगदेव को मार दिया। देखो इसका कत्ल कर दिया, एक को कम कर दिया। यहां पर देखो ये लो, मार दिया अपने चाचा को। किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं। प्रतिस्पर्धी इस प्रकार यदि मेरे सामने आएगा, विश्वासघात करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सांगा का, पृथ्वीराज सिसोदिया का वचन था ये। और ये सोलंकियों से लड़ता हुआ बेचारा मारा गया। किससे दोस्तों? सोलंकियों से, चालुक्यों से लड़ता हुआ ये मारा गया। तो दो मर गया। और सूखा ये कांठल की खोज में चला गया, कांठल की खोज में चला गया। ये वैसे ही अयोग्य था, ये क्या था, राजगद्दी के योग्य था ही नहीं।
ये तो अयोग्य था। अब ध्यान में बात आई किसके, पृथ्वीराज के, कि यदि नालायक करमचंद पवार मेरे उस भाई को शरण नहीं देता जिसका रागी राजयोग बहुत बलिष्ठ था, मतलब जहाँ भी जाता था इसके जो गुण है ना वो बहुत अच्छे निकलते थे, आँखा बहुत बढ़िया थी इसके, ठीक है, हाथ की लकीरें इनकी बड़ी खतरनाक थी। बोला यदि, पृथ्वीराज ने कहा यदि उस करमचंद पवार ने उसको शरण नहीं दी होती तो आज मैं शासक बन जाता, क्योंकि सारे जो है वो आज मेरे प्रतिस्पर्धी क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, अब तो एक सांगा बचा है। जाता हूँ मैं करमचंद पवार के पास में और पूछता हूँ कि तुमने इसको शरण क्यों दी, ये टिटनस की बीमारी से मर जाता क्योंकि आँख निकाल दी तो मरना ही था। अब ये यहाँ से चला, कब की बात है दोस्तों, 1505 की बात है दोस्तों, 1505 की बात है, 1509 में मृत्यु हुई थी किसकी, रायमल सिसोदिया की, ये 1505 की बात है। 1505 में ये अजमेर पहुंच गया, कौन दोस्तों, अपनी रानी के साथ, और उसकी रानी का नाम क्या था, तारा देवी, और तारा देवी के नाम से यहाँ पर एक दुर्ग था अजमेर के अंदर। जब अजमेर में ये गया तो करमचंद पवार पुष्कर की पहाड़ियों में छुप गया बेचारा, इतना डर था पृथ्वीराज सिसोदिया का हर आदमी, करमचंद पवार पुष्कर की पहाड़ियों में छुप गया। तब 1505 में यही पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी पत्नी तारा को लेकर उस दुर्ग में गया, उस दुर्ग का नाम क्या था, उस दुर्ग का नाम था अजय मेरुगढ़ दोस्तों, कौन सा दुर्ग था, अजय मेरुगढ़, और इसका निर्माण करवाया था दोस्तों अजय पाल ने, कब, 1133 के अंदर, और अब बात कब की है, 1505 की बात है, इसका निर्माण उसने करवाया था, बीठड़ी पहाड़ी पर है ये, कौन सी गिरी दुर्ग आता है, जब पहाड़ी पर होगा तो कौन सो दुर्ग आएगा दोस्तों, बीठली पहाड़ी पर है, पहाड़ी पर है तो गिरी दुर्ग आएगा, और वैसे ही अरावली में है तो गिरी दुर्ग आएगा दोस्तों। अब यहाँ आया, बोला तारा तू भी क्या याद रखेगी, तेरे नाम पर यहाँ पर परकोटा बना देते हैं, और तारागढ़ दुर्ग का परकोटा बनवाया और इस दुर्ग का नाम बदल कर क्या कर दिया दोस्तों, अजय मेरु या गढ़ बीठली से क्या कर दिया, तारागढ़ कर दिया। वास्तव में तारागढ़ तो बूंदी के अंदर पड़ता है जहाँ गर्म गुंजन तोप है, कौन सी तोप है दोस्तों, गर्भ गुंजन तोप बूंदी में है, हुन हुंकार तोप धौलपुर के शेरगढ़ में है, और कड़क बिजली शंभू बाण सुक्त वाहन गजनी खां गज विलास ये तोपे मेहरानगढ़ में हैं, मेहरानगढ़ तोपों का गढ़ है। जयबाण तोप जो एशिया की सबसे बड़ी है, जल्दी कमेंट करो और बताओ वो कहां पर है दोस्तों, जल्दी से कमेंट आने दो दोस्तों। तो इस प्रकार इस दुर्ग का क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, नाम परिवर्तन कर दिया और पत्नी के नाम पर रख दिया। अब देखो क्या हुआ इस दुर्ग की, यदि थोड़ी सी अपने बात करें तो यहाँ पर कर लेते हैं इस दुर्ग की, आता है मीरान साहब, कौन आता है, मीरान साहब दोस्तों, इस मीरान साहब की दरगाह है इसके अंदर, किसकी दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह है, मीरान साहब के घोड़े की मजार है, और हेबर ने इसके बारे में क्या कहा है कि ये है जिब्राल्टर, क्या कहा है दोस्तों, ये जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर एक जल संधि थी तो इसको भी इसी में रखा है। स्थानीय सबसे ज़्यादा आक्रमण जो हुए हैं वो यही हुए हैं अजमेर के इसी तारागढ़ के अंदर हुए दोस्तों, और सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं भटनेर के अंदर जो ईंटों का गढ़ है दोस्तों। तो अब देखो क्या हुआ, अब जब यहाँ गया तो बेचारा वो तो करमचंद तो कहाँ चला गया, पुष्कर की पहाड़ियों में यहाँ आ गया और किले का नाम नूम बदला, लेकिन ज़्यादा समय तक रहा नहीं कि पीछे राज सिंह को गद्दी पर ना बिठा दे पिताजी, पिताश्री बीमार थे। अब यहाँ पर पहुँचा दोस्तों सिरोही के अंदर, और काफ़ी थक गया था पृथ्वीराज और सोचने लगा कि रात रात बहन के यहाँ रुक जाते हैं, तारा को भी दिखा देते हैं कि तेरी नणंद कैसी है दोस्तों। तब यहाँ पर कौन था, जगमाल था, और ये जगमाल देवड़ा जो था ना इसको बहुत गुस्सा था, किस पर,
इसी पृथ्वीराज के बीच में। एक तो इसकी पृथ्वीराज सिसोदिया से नहीं बनती थी, एक इसकी बहन का नाम क्या है दोस्तों, आनंदी बाई, और इसके बीच में भी क्या रहता था, इसको लेके तनाव रहता था, बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता था, जगमाल बहुत ज़्यादा मारता था इसकी बहन को पृथ्वीराज सिसोदिया की। तो पृथ्वीराज सिसोदिया रात के लिए रुका बेचारा, लेकिन क्या हुआ कि इसी देवड़ा ने, जगमाल देवड़ा ने जहर की गोलियां तैयार कर रखी थी। किसकी दोस्तों, जहर की गोलियां तैयार कर रखी थी। और जब ये गोलियां तैयार कर रखी थी तो क्या हुआ, जहर की गोलियां पृथ्वीराज सिसोदिया को दे दी, जिससे पृथ्वीराज सिसोदिया भागता भागता, यही दीवार है जो कौन सी दोस्तों, कुंभलगढ़ की दीवार, इस दीवार के किनारे इसके मुंह में जाग आए और अटके होगी, इनकी मृत्यु होगी। और जनाठ मृत्यु हुई, जमा कुंभलगढ़ और महाराणा कुंभा की छतरी के पास में इसकी भी 12 खंभों की क्या बन गई दोस्तों, छतरी बन गई, 12 खंभों की छतरी। अब देखो, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुंभलगढ़ में है, महाराणा कुंभा की छतरी कुंभलगढ़ में है, रूठी रानी की छतरी अजय मेरु गढ़ के अंदर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, इससे आगे चलते हैं। तो ले लिया होगा दोस्तों आपने, यहाँ तक आपको काफ़ी शानदार तरीके से और शानदार ढंग से समझ आया होगा। अब मात्र दो ही शासक रहे हैं, एक का नाम है राज सिंह और एक का नाम, जिसको करमचंद फुहार ने शरण दी थी, जल्दी से कमेंट करना उसका नाम क्या है, जल्दी कमेंट करो कि उसका नाम क्या है जिसको करमचंद फुहार जैसे शासक ने शरण दी थी। अब देखो मेवाड़ में कौन है, ओ लो जी ओ पड़े मेवाड़, ठीक है दोस्तों, ओ पड़े अठे अजमेर, ठीक है दोस्तों, ओ अठे पड़े दिल्ली, और ओ अठे पड़े मालवा, ओ अठे पड़े दोस्तों कुण गुजरात। ये चीज़ ने ध्यान दिया, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब रायमल बहुत बीमार है, रायमल के साथ सामने कौन है कि अजमेर गया हुआ उसका बेटा है जिसका नाम क्या है, सांगा। रायमल यहाँ से खत लिखता है मेवाड़ से कि सांगा सारे जा चुके हैं, एक पिता की अर्ज है कि तू आ और तेरे को मेवाड़ का शासक बनाते हैं। तब क्या हुआ दोस्तों, सांगा नहीं आना चाहता है कि मैं शासक नहीं बनूंगा, पृथ्वीराज सिसोदिया नहीं कहीं नहीं गए हैं, आपके पास ही है। तब इसको कैसे न कैसे मना के यहाँ लाया जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, 1509 के अंदर राज्याभिषेक, और 9 दूनी 18 इसका अर्थ हुआ 1528 तक का शासनकाल किसका है दोस्तों, अब है महाराणा सांगा का, किसका दोस्तों, महाराणा सांगा का। अब हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा, और 1509 से लेके 1528 तक महाराणा सांगा था, उस समय दिल्ली में कौन सा था, स था, और यहाँ कौन सा था, न था, और यहाँ कौन था दोस्तों, म था। सनम को याद रखना पड़ेगा, किसको दोस्तों, सनम को याद रखना पड़ेगा। सह पर कौन था, सिकंदर था, कौन था दोस्तों, सिकंदर लोदी था, ये सिकंदर लोदी उस समय दिल्ली में। और नासे कौन है दोस्तों, नासिरुद्दीन था, कौन सा दीन दोस्तों, नासिरुद्दीन उस समय मालवा में था। और मैं पर कौन है, महमूद बेगड़ा, और महमूद बेगड़ा कहाँ का था, गुजरात का। सनम इधर है और सांगा तो किधर है, सांगा मेवाड़ में है और सनम इधर है, क्या करेगा। देखो 27 वर्षीय था ये जिस समय राजगद्दी पर बैठा, उस समय कितने वर्ष की उम्र थी, 27 वर्ष की। जल्दी से कमेंट करके दो मेरे को कि सांगा की माता का नाम क्या था, जल्दी से कमेंट करो। इतने सूरवीर जिसकी लीलाएं रेखाएं ऐसी थी कि एक नाम मात्र का आदमी था लेकिन शासक बना दिया, उसके भाग्य ने ऐसा पुत्र जिसकी माँ का नाम, जल्दी कमेंट करके बताना मेरे को, जल्दी बताओ दोस्तों।
अब वो शासक बन गया कुंभा। लेकिन कुंभा तो शासक बन गया, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी इसके सामने कि वैसे इसको उपाधि भी मिलती है, कौन सी दोस्तों? हिंदू पत बादशाह की। किसकी? हिंदू पत शासक। कौन सा शासक है? हिंदू पत शासक। और जब ये शासक बना उस समय अजमेर के जो करमचंद जो थे ना, कौन दोस्तों? करमचंद, उसे रावल की उपाधि दी थी। किसने दी थी? सांगा ने रावल की उपाधि किसको दी थी? करमचंद को दी थी, जो अजमेर के थे, और सांगा को जिन्होंने जीवन दिया था, शरण दी थी। अब देखो गुजरात वाला शासक मेवाड़ की ओर आंख मारता था, आंख इधर देखता था कि हाँ नामात्र का स्वामी है और एक दिन टपका देंगे काम इसका। और नासिरुद्दीन मालवा वाले शासक भी इधर ही आंख मिचोली करते थे, किधर ही नहीं देखना, बस इधर मेवाड़ की ओर, बोले एक दिन टपका देगा, 45 किलो गुजवान है। और ये तो दिल्ली का था, इसने कहा अब राज करने का मौका है, राज करने का समय है। तो इव ये सारा प्रतिस्पर्धी है। अब पहली भाइयों लड़ियो, पहले भाइयों से डरता था, लेकिन मैं भाइयों से डर सकता हूँ क्योंकि भाई को भाई की कमजोरी का पता होता है, लेकिन मैं दूसरे दीवानों से नहीं डर सकता। ये राणा सांगा का वचन था, और इसी वचन को लेकर राणा सांगा देखना कैसे आगे चलता है और कैसे नहीं चलता है। अपने जीवन के अंदर 1517 से लगा, 1518 में लगा, 1519 में, 1520 में, 1527 में और 1500, ये इसके आक्रमण के समय है। देखो 1520 और 1527 तक ये आक्रमण के समय है। 17 से खतरा शुरू कर दिया सांगा ने। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, सांगा के युद्ध बताता हूं मैं आपको। ले लिया होगा दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो मैं इसको साफ कर देता हूं। अब मैं बताता हूं सांगा क्या था और क्या नहीं। सांगा की पहली लड़ाई, और उस समय दिल्ली के शासक का नाम क्या था, जल्दी से बताइए। कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी अब आ चुका है। और इधर मेवाड़ में कौन सा? सांगा और सिकंदर लोदी यहाँ आ जाता है। कहाँ दोस्तों? पीप लदा, पीप लदा तहसील पड़ती है कोटा के अंदर। और यहाँ एक स्थान है दोस्तों, कौन सा? खातोली। खातोली खात्मा हो रहा है 17 का, 1517 में लड़ाई होती है। 1517 के अंदर ये लड़ाई हुई। इस लड़ाई में क्या हुआ कि सांगा की जीत हो जाती है और इब्राहिम लोदी की इसमें हार हो जाती है। बुरी तरीके से दिल्ली के शासक हारने के बाद भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सांगा के हाथ लग गया उसका एक शहजादा, और इस शहजादे को बना लिया क्या? बंदी। अमर काव्य वंशावली इस बात को लिख रही है दोस्तों। कौन सी? अमर काव्य वंशावली, जो किसकी लिखी हुई है? रणछोड़ और भट्ट की लिखी हुई है दोस्तों। किसकी? रणछोड़ भट्ट की लिखी हुई है। इस अमर काव्य वंशावली के अंदर ये लिखी हुई है कि 1517 के अंदर हुआ खतरा खातोली का युद्ध, और उसमें एक शहजादे को बंदी बना दिया राणा सांगा ने, और बंदी बनाया और उसको कुछ धमकाया, और धमकाने के बाद में कहा तू चला जा, तेरे से कुछ लेना नहीं है, लेना हमें दिल्ली से है, आंख आंख हमें दिल्ली से मिलानी है। ले दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट। ये 1517 का युद्ध था। अगला युद्ध हम अभी देखते हैं कौन सा था दोस्तों। अगला जो युद्ध था वो था 1528 का युद्ध। कौन सा दोस्तों? अब पहुंच गया यहां पर, धौलपुर पड़ता है, और इस धौलपुर के अंदर एक दुर्ग पड़ता है, उसका नाम है बाड़ी का दुर्ग। और बाड़ी दुर्ग में इधर से दिल्ली की सेना, और उसमें खुद तो आया नहीं इब्राहिम, हाँ पता चल गया सांगा क्या है, उसमें एक तो मियां हुसैन को भेजा और एक मियां माखन को भेज दिया दोस्त, दो
मियाँ हुसैन और मियाँ माखन को भेजा। लो दोनों को कहा जाओ सांगा को पराजित करके आओ। ये आए इधर से वीर सांगा, ये लो लाल है सांगा लाल। और काले आदमियों को सांगा कहाँ जाने देगा, कहीं नहीं। अब देखो क्या है, फारसी त्वारिका एक बात लिखती है, क्या फारसी त्वारिकों में क्या लिखा हुआ है कि ये जो था कौन मियां हुसैन, ये अवसर पाते ही किसके साथ मिल गया, सांगा के साथ। लेकिन इब्राहिम लोदी की फिर हुई हार, और इस बार फिर दिल्ली के बादशाहों को दो बार पराजित कर दिया, फिर भाग गया कौन इब्राहिम लोदी। तो आज के लिए दोस्तों हमने दो युद्ध सांगा के पढ़े, अच्छा हमें समझ आया होगा, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। दोस्तों आज के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, जय हिंद जय भारत दोस्तों।